नमस्कार बच्चों, कक्षा 3 के बच्चे मेरे साथ संस्कृत का पाठ 2 पढ़ रहे थे, संस्कृत वर्णमाला। बच्चों, संस्कृत वर्णमाला में हम स्वरों को पढ़ चुके थे, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था अंगह तक। आज हम व्यंजन वर्णों को पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को याद दिलाऊंगी। बच्चों, आप लोग बहुत छोटे हो, आप लोगों को घर पर ही रहना है, सुरक्षित रहना है, अपने मम्मी पापा की बात माननी है और घर पर रहकर ही अपनी पढ़ाई करनी है। दूसरी बात, मैं आप लोगों के माता पिता से निवेदन करूंगी कि जो बच्चे ऐसे हैं जिनकी कोई फीस यदि रह गई है तो कृपया जल्दी से जल्दी विद्यालय में फ़ीस जमा कराएं, क्योंकि हमें आप सबके सहयोग की आवश्यकता है। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं हम अपना पाठ 3, संस्कृत वर्णमाला। इसमें हम आज व्यंजन वर्णों को पढ़ेंगे। क वर्ग व्यंजना हम, अब इसमें क से शुरू होते हैं हमारे क वर्ग वाले व्यंजन। क कपोतः मीन्स कबूतर। ख खगह मीन्स पक्षी। ग गजह मीन्स हाथी। घ घट घटह मीन्स घड़ा। ल खाली जाता है। अब च वर्ग व्यंजन। च वर्ग में च चक्षुः मीन्स आँख। छ छत्रम मीन्स छाता। ज जम्बूफलम मीन्स जामुन। झ झषः मीन्स मक्षली। या खाली होता है। अब ट वर्ग व्यंजन। ट टट्टिनी, टट्टिनी मीन्स होती है छिपकली। ठ ठकुरह मीन्स देवता या स्वामी। ड डमरुह मीन्स डमरू। ढ ढोकनम मीन्स उपहार। न खाली होता है। अब हम करते हैं त वर्ग व्यंजन। त तरुह मीन्स पेड़। थ थह मीन्स पर्वत। द दुर्दरह मीन्स मेंढक। ध धनु मीन्स धनुष। न नकुलह मीन्स नेवला। अब आता है प वर्ग व्यंजन, तो इसमें पढ़ते हैं प पर्णम मीन्स पत्ता। फ फलम मीन्स फल। ब बकह मीन्स बगुला। भ भल्लूकह मीन्स भालू। म मकरह मीन्स मगरमच्छ। अब आते हैं बच्चों अंतस्थ व्यंजन। य यतिह मीन्स सन्यासी। र रसालह मीन्स आम। ल ललना मीन्स स्त्री। व वटह मीन्स बरगद। अब आते हैं बच्चों ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजन में श शशिह मीन्स चंद्रमा। श षटपदः मीन्स भौरा। स सर्पः मीन्स सांप। ह हरिः मीन्स बंदर। अब आते हैं बच्चों संयुक्त व्यंजन। तो क्षत्रिय, इसको क्या बोलते हैं आप लोग, क्षत्रिय। तो क्ष क्षेत्रम मीन्स खेत। त्र त्रसः मीन्स दिल। ज्ञ ज्ञाप्ति मीन्स घोषणा। स्र श्रमिकः मीन्स मजदूर। तो बच्चों इस तरह से हमारी पूरी व्यंजन वर्णमाला पूरी हो गई है। यहाँ तक हमारी व्यंजन वर्णमाला है और ये हमने पूरी कर ली है।
आप लोग इसको एक बार और मेरे साथ पढ़ लीजिए और उम्मीद करती हूँ घर पर दोबारा से इसको पढ़ेंगे। चलिए एक बार हम फिर से शुरू करते हैं। कपोतः मीन्स कबूतर, खगह मीन्स पक्षी, गजह मीन्स हाथी, घटह मीन्स घड़ा, ण खाली, चक्षु मीन्स आँख, क्षत्रम मीन्स छाता, जम्बूफलम मीन्स जामुन, झसा मीन्स मछली, यह खाली होता है। अगला, टट्टिनी मीन्स छिपकली, ठकुरह मीन्स देवता, डमरूह मीन्स डमरू, ढोकनम मीन्स उपहार, ण खाली होता है। तरुह मीन्स पेड़, थह मीन्स पर्वत, दुर्दरह मीन्स मेंढक, धनुह मीन्स धनुष, नकुलह मीन्स देव नेवला, पर्णम मीन्स पत्ता, फलम मीन्स फल, वकह मीन्स बगुला, भल्लूकह मीन्स भालू, मकरह मीन्स मगरमच्छ, यतिह मीन्स सन्यासी, रसालह मीन्स आम, ललना मीन्स स्त्री, वटह मीन्स बर्गर, शशि मीन्स चंद्रमा, षटपदह मीन्स भौरा, सर्पह मीन्स सांप, हरि मीन्स बंदर, क्षेत्रम मीन्स खेत, त्रसह मीन्स दिल, ज्ञाप्ति मीन्स घोषणा, श्रमिक मीन्स मजदूर। तो बच्चों इस तरह से आपकी पूर्ण वर्णमाला हो गई है। अगली वीडियो में मैं इस पार्ट की बुक एक्सरसाइज कराऊंगी। आपको अपना वर्क कंप्लीट करना है, तब तक आपको घर पर रहकर पढ़ाई करनी है, इस पूरी वर्णमाला को दोबारा से पढ़ना है, दोहराना है। तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, और जिन बच्चों की फ़ीस जमा नहीं हुई है वो जल्दी से जल्दी विद्यालय में फ़ीस जमा करा दीजिए। धन्यवाद।